awesome. तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिस इज अ वेस्ट फेस हाउस प्लान. दिस कंसिस्ट ऑफ एक्चुअली 30-40 हाउस प्लान जो मेरे पीछे आप देख सकते हो वहाँ पे, वो जो कंसिस्ट करता है 30-40 हाउस प्लान. तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको 30-40 हाउस प्लान के अंदर कितना बेडरूम्स आना चाहिए, उसका रूम साइज कितना रहना चाहिए, मैं आपको कंप्लीट डिटेल बता दूंगा. यहाँ पे प्लान बनाया हूँ मैं, प्लान बनाया हूँ सेम वो जो घर आप देख सकते हैं. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो घर है किसी और ने बांधा है और ओनर इज द डिफरेंट. आई एम टेकिंग द वीडियो ऑफ दैट हाउस एंड ऑल द क्रेडिट गोज टू दी दैट इंजीनियर हु हैज कंस्ट्रक्टेड. जस्ट आई एम टेकिंग द वीडियो. ये जो घर कंस्ट्रक्ट करता है 2 BHK. सो आपको मैं प्लान सब बता दूंगा. इससे पहले आप क्या करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो वीडियोज है शेयर करिए. दैट मे बी हेल्पफुल फॉर मी. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको प्लान दिखा देता हूँ. सो पॉज मत. फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो है ना इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आप ठीक से समझ पाए. मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करता हूँ. ये जो है वेस्ट फेस है. वेस्ट फेस के अंदर पार्किंग, हॉल, हॉल से हम एंटर होते हैं बेडरूम में. एंड बेडरूम से जो है एक अटैच्ड छोटा सा बाथरूम है. फिर यहाँ पे हॉल है, फिर यहाँ पे पूजा रूम, एक चिल्ड्रन बेडरूम, यहाँ पे किचन है एंड ए ड्रेसिंग. आप स्क्रीनशॉट लीजिए, बाद में देख लीजिए. मैं आपको अभी घर बताता हूँ. दोस्तों ये जो है वेस्ट फेस हाउस प्लान है ताकि आप देख सकते हैं. एंड उसका बाजू का घर भी मैं आपको दिखाता हूँ. तो ये आपने देख लिया. मैं अब एंटर होते हैं अंदर, मैं आपको दिखा देता हूँ अंदर कैसा है. सो ये जो है काफ़ी बड़ा सा पार्किंग है, कार पार्किंग एरिया आपको मिल जाएगा. एंड ये जो कार पार्किंग का साइज जो है 9 ft 4 in x 16 ft है. एंड देर इज अ सेटबैक जो छोड़े है उसका साइज जो है 2 ft 3 in + 6 in का वॉल आ जाएगा. एंड मैं आपको इस कॉर्नर से लेके जाता हूँ. सो इस कॉर्नर में जो है स्टेयर्स आ जाएंगे, फिर स्टेयर्स के बाद आपको लैंडिंग मिल जाएगा. चलिए मैं आपको अभी लेके जाता हूँ घर के अंदर. सो एंटर होते ही आपको जो है एक हॉल. सो हॉल का साइज जो है करीब 19 ft by 10 ft का हॉल है ये. सो यू कैन ऑब्जर्व हियर. सो दिस इज 19 ft of 10 ft 6 in. नाउ आई विल शो यू फ्रॉम अदर एंगल. तो सेम जो है दूसरे एंगल से मैं आपको बता रहा हूँ. सो दिस इज द हॉल ऑफ 19 x 10 ft. एंड यहाँ से देखिए आपको इधर जो है किचन मिलेगा और मेरे लेफ्ट राइट में जो है एक मास्टर बेडरूम मिलेगा. यहाँ पे जो है मास्टर बेडरूम और वहाँ पे जो है एक आउटसाइड डोर दिया हुआ है. प्लस इसके पीछे जो है टॉयलेट रूम, कॉमन टॉयलेट एंड बाथ विद ड्रेसिंग मिल जाएगा. एंड यहाँ से ही आपको एक पूजा रूम मिलेगा और यहाँ से आपको एक चिल्ड्रन बेडरूम. सो बिफोर गोइंग आई विल टेक यू टू द किचन. सो किचन के अंदर जाते हैं. यू कैन नाउ सी द किचन. दिस इज द किचन. सो किचन का साइज जो है 8 by 9 ft का किचन है. काफ़ी बढ़िया सा है, इसमें कोई सभी व्यवस्थित ठीक ठाक है. एवरीथिंग इज फाइन. एंड स्टोरेज पर्पज यहाँ पे जगह है. एंड ऊपर जो है सामान रखने के लिए लिंटल. और कोई लोग बिलीव करते हैं कि वास्तव में बिलीव करते हैं कि मंदिर के ऊपर कुछ भी स्टोरेज नहीं रखना चाहिए. और कोई जो है स्टोरेज अगर कहीं पे भी जगह नहीं है तो आप एडजस्ट कर सकते हैं मंदिर के ऊपर ही. एंड वहाँ पे जो है सिंक. अब मैं आपको लेके जाता हूँ पूजा रूम के अंदर. किचन से एक पैसेज है, पैसेज में आपको पूजा रूम मिलेगा. पूजा रूम का साइज जो है 3 ft 3 in x 5 ft 4 in. और हॉल से हम कहाँ एंटर करते हैं, यहाँ पे चिल्ड्रन बेडरूम के अंदर. सो दिस इज द चिल्ड्रन बेडरूम. सो चिल्ड्रन बेडरूम का साइज जो है 11 ft 6 in x 8 ft 9 in. एंड आप सामान रखने के लिए जगह आप देख सकते हैं. वार्डरोब कहाँ पे रखना चाहिए वो तो आप एडजस्ट कर देंगे. एंड इसमें जो है 2 विंडो है. सो यहाँ पे एक एंड यहाँ पे भी वार्डरोब, कपाट वार्डरोब कुछ भी आप कर सकते हैं. तो मैं अब नेक्स्ट हम एंटर होते हैं जो कॉमन टॉयलेट एंड बाथ आपको बता दूंगा. वहाँ पे जो है मास्टर बेडरूम मिलेगा आपको. उससे पहले मैं आपको कॉमन टॉयलेट एंड बाथ में लेकर जाऊँगा. सो इसके अंदर एक स्पेशलिटी जो है यहाँ पे ड्रेसिंग के लिए काफ़ी जगह छोड़े सो है इसके अंदर. यहाँ पे आप अपना लाइक ब्रशेस, टूथपेस्ट, ड्रेसिंग, जो भी मॉर्निंग आफ्टर बाथ व्हाट एवर यू डू, टॉवेल्स एंड ऑल दोस, वहाँ पे आप रखने के लिए जगह है यहाँ पे. एंड यहाँ से ही जो है अब हम एंटर होते हैं. ये जो ये पोर्शन है ना आपको 5 x 7 ड्रेसिंग, ये मैं खड़ा हूँ. और T/B आप देख सकते हैं. ये जो है टॉयलेट एंड बाथ,
यहाँ पे आप देख सकते हैं वेंटिलेशन पर्पस। यहाँ से जो है मैं आपको अभी वापस लेकर जाता हूँ। तो वापस जो सेटबैक सेटबैक जो है वहाँ पे सेटबैक थोड़े से करीब मैं आपको करीब 1.5 फीट का सेटबैक है प्लस 6 इंच का वॉल मैं आपको मास्टर बेडरूम में लेके जाता हूँ। तो जो है मास्टर बेडरूम का साइज जो है 11 फीट × 10 फीट 3 इंच। सो दिस इज द मास्टर बेडरूम। एंड वार्डरोब यू कैन कीप योर मटेरियल्स व्हाट एवर द लगेज यू हैव व्हाट एवर एवरीथिंग। एंड यहाँ से जो है हम एंटर हो गए दरवाजे से। दरवाजे से एंटर होते ही वहाँ पे एक टॉयलेट रूम दिए सो है। सो दिस इज द टॉयलेट रूम फॉर दिस मास्टर बेडरूम। सो टॉयलेट रूम का साइज जो है काफ़ी कंफर्टेबल तो नहीं है बट इन इमरजेंसी यू कैन यूज इट। ओके तो उसका साइज जो है 5 × 4 फीट का है। सो दिस इज द वेंटिलेशन एंड ऑल दोज मेड। सो ये देख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके ओके बिफोर गोइंग टू क्लोज दिस वीडियो आई वॉन्ट टू शो यू सेटबैक। सेटबैक जो है ना घर के आजू बाजू जो है सेटबैक देते हैं। सेटबैक जो है गुड वेंटिलेशन प्रपोज देते हैं वही मेन रीज़न है और अच्छा हेल्दी लाइफ स्टाइल मिलेगा। और वहाँ पे जो है आपको एक बोरवेल वो देख सकते हैं आप वहाँ पे बोरवेल। ए सेटबैक जो है 2 फीट का सेटबैक है एंड 6 इंच का वॉल आ जाएगा। यहाँ पे जो है बोरवेल है और यहाँ पीछे भी हम क्या है सेटबैक दिए हुए हैं जो इंजीनियर ने दिया है और मैं आपको अभी लेके जाता हूँ। और एक बाहर जो है और एक टॉयलेट रूम है यानी कि सीढ़ी। आपको सीढ़ी दिखाने का बोल गया हूँ। सो यहाँ पे जो है सीढ़ी है। सो सीढ़ी का जो साइज़ है 2 फीट 9 इंच। यहाँ पे भी 2 फीट 9 इंच और 3 इंच का आपको वो ग्रिल्स मिलेगा। और सीढ़ी के नीचे ही आपको यहाँ पे जो है सेप्टिक टैंक। सीढ़ी के नीचे सेप्टिक टैंक मिलेगा। ओके ये सेप्टिक टैंक हो गया। फिर उसके बाद आपको कॉमन टॉयलेट एंड बाथ मिलेगा सीढ़ी के लैंडिंग के नीचे। ऊपर जो है लैंडिंग उसके नीचे ये टॉयलेट रूम। So thanks for watching.